हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन फीचर्स ऑफ टेरिस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स तो कुछ कॉमन फीचर्स जो टेरिस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स में होते हैं तो जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें जो स्टार्टिंग के फोर प्लैनेट्स होते हैं यानी कि मरकरी वीनस अर्थ और मार्स तो इन चारों प्नट को हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल प्लान टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ लाइक -like. और इनको हम इनर प्लानट्स भी बोलते हैं ये सन के पास भी होते हैं तो इन चारों को हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल प्लान्स और जो लास्ट के फोर होते हैं जुपिटर सेटर्न यूरानस एंड नेपच्यून इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लानट्स जोवियन का मतलब होता है जूपिटर लाइक -like. तो इनको हम आउटर प्लानट्स बोलेंगे और हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो सन है इससे ये काफ़ी दूरी पर है अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है टेरिस्टल प्लानट्स की और जोवियन प्लानट्स की है. अब हम देखेंगे कि इनमें कॉमन फीचर्स क्या क्या है सो so, सबसे पहले देखेंगे हम ऑर्बिट को लेकर सो वॉट टाइप ऑफ प्लानट्स ऑर्बिट अ स्टार इन आर सोलर सिस्टम दे ऑल ऑर्बिट द सन हमें ये बात पता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं आर्ट के आर्ट वो ऑर्बिट करते हैं सन को फॉलोइंग इलेप्टिकल पाथ्स एज डिस्क्राइब बाई कैपलर्स लो ऑफ प्लानिट्री मोशन तो ये एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं जो कि डिस्क्राइब किया था कैपलर्स ने कैपलर के आपने तीन लो पढ़े होंगे प्लानिट्री मोशन के तो उस हिसाब का इलिप्टिकल पाथ ये फॉलो करते हैं देन आते हैं इनकी कंपोजिशन पे तो कंपोजिशन में हमें पता है हम अर्थ पे रहते हैं तो मतलब जो इनर प्लेनेट है यानी कि जो टेरिस्ट्रियल प्लेनेट है वो कैसे होते हैं रोकी होते हैं तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है टेरिस्ट्रियल प्लान्ट आर रोकी जोवियन प्लानट्स आर गैसियस और जोवियन प्लानट्स हमारे क्या होते हैं गैसियस होते हैं बोथ कंटेन एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन हीलियम एंड वेरियस हैवियर एलिमेंट लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि ये जो गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम और वेरियस अदर हैवियर एलिमेंट ये दोनों में प्रेजेंट रहते हैं तो दोनों प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं सन को और कंपोजिशन में कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन हीलियम और कुछ अदर हैवियर एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट रहेंगे देन थर्ड है स्पेरिकल शेप तो आपने देखा होगा जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं चाहे इनर प्लैनट हो चाहे आउटर हो यानी कि चाहे टेरिस्ट्रीयल हो या जोवियन हो ये सारे के सारे स्पेरिकल शेप के होते हैं ड्यू टू देयर ग्रेविटी बहुत टेरिस्ट्रीयल एंड जोवियन प्लैनेट्स है नियरली स्पेरिकल शेप देन आते हैं एटमोसफेयर पे तो देखिए इसमें हमने इस पॉइंट में मैंने ये नहीं बताया कि एटमॉस्फेयर कैसा कैसा होगा क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है लेकिन दोनों में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जैसे कि बहुत टाइप ऑफ प्लैनेट्स हैव एटमॉस्फेयर ऑल द कंपोजिशन एंड डेंसिटी ऑफ दिस एटमॉस्फेयर कैन वेरी सिग्निफिकेंटली जैसे कि दोनों में गैसेज प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर एटमॉसफेयर बनेंगे है ना तो उनकी जो डेंसिटी होगी वो डिफर होगी क्योंकि उनकी कंपोजिशन डिफर है तो क्या होगा उनकी डेंसिटी क्या होगी डिफर होंगी एटमॉसफेयर कैन बी वेरी सिग्निफिकेंटली लेकिन दोनों में एटमोस्फेयर प्रेजेंट तो है नेक्स्ट आता है मूनस एंड रिंग्स मेनी टेरिस्ट्रियल एंड जोवियन प्लानट्स हैव नेचुरल सेटेलाइट हमें पता है कि जो हम नेचुरल सेटेलाइट है वो मून को मोलते हैं मतलब जो मून होती है वो हमारे पास नेचुरल सेटेलाइट होती है हमारे प्लानट्स की एंड सम इवन हैव रिंग सिस्टम और कुछ प्लान्स के पास रिंग सिस्टम भी होता है तो जो नेचुरल सेटेलाइट होती है मून वो सबसे ज़्यादा हमारे पास सेटर्न के पास होती है मतलब वन फोर्टी सिक्स के आसपास रहती है सेटर्न के पास देन जूपिटर के पास नाइन्टी फाइव होती है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में हमें पता है कि अर्थ के पास तो एक मून है और जो मरकरी वीनस है उनके पास नहीं होता लेकिन अगर हम टेरिस्ट्रियल और जोवियन uh, का हम कॉमन फीचर लिख रहे हैं तो टेरिस्ट्रीय में भी मून है अर्थ के पास है और जो जोवियन है उनमें ज़्यादातर ज़्यादा नेचुरल सेटेलाइट यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ मूनस रहते हैं एंड सन सम हैव रिंग सिस्टम अब रिंग सिस्टम क्या होता है यहाँ पे जो आपको सेटर्न के पास ये बना हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे रिंग इसको हम रिंग बोलते हैं तो ये जो जोवियन जो जो प्लानट्स होते हैं मतलब आउटर प्लानट्स होते हैं इनमें ज़्यादातर कॉमन देखने को मिलती है रिंग सिस्टम यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है वाइल्ड रिंग्स आर मॉन प्रोमिनियट एंड कॉम्प्लेक्स अराउंड जोवियन प्लानट्स टेरिस्ट्रियल प्लान लाइक अर्थ कैन ऑल्सो हैव रिंग सिस्टम एल्बियट लेस कॉमन एंड यूजअली ट्रांसलेट मतलब जो टेरिस्ट्रियल प्लानट होते हैं जैसे कि अर्थ उनके पास रिंग एक तो कॉमन देखने को नहीं मिलती है और यूजुअली कैसी होती है ट्रांजिएंट होती है मतलब वो कभी कभी हमको दिख जाती है लेकिन वो ऐसे कॉमन फीचर नहीं है टेरिस्ट्रियल प्लानट का बहुत कम मतलब कॉमन नहीं है और जो, जो जोवियन होते हैं उनमें हमको रिंग देखने के लिए ईजीली मिल जाती है नेक्स्ट आता है इंटरनल हीट बहुत टाइप ऑफ प्लैनेट्स जनरेट हीट इंटरनली ऑल दो थ्रू डिफरेंट प्रोसेस रेडियो एक्टिव डीके इन टेरिस्ट्रियल प्लान एंड ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन इन जोवियन प्लानट्स तो एक और कॉमन फीचर क्या है कि हमें दोनों तरह के टेरिस्ट्रियल और जोवियन प्लानट्स में इंटरनल हीट देखने को मिलती है जो टेरिस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं उनमें इंटरनल हीट किस प्रोसेस के थ्रू होती है रेडियो एक्टिव डी के हमने सभी ने पढ़ाया कि रेडियो एक्टिव डी के होता है तो ये यह, यहाँ पे तो इंटरनल हीट इस वजह से होती है और जो, जो जोवियन प्लानेट्स हैं उनमें ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो वो होती है इंटरनल हीट होती है तो ये भी कॉमन हो गया चीज़ देन नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ कैन हैव मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों ही तरह के प्लैनेट्स के पास टेरेस्ट्रियल या फिर जोवियन दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है दो देअर स्ट्रेंथ एंड ओरिजिन डिफर तो उनकी स्ट्रेंथ और ओरिजिन तो ऑफकोर्स डिफर ही होंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लाइक अर्थ हैव मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय देयर मोल्टन आयरन कोर तो हम सभी ने पता है पता हमें सभी को पता है हमने अर्थ में पढ़ाया अर्थ में जो लेयर्स होती हैं मेंटल क्रस्ट कोर तो कोर में क्या होता है आयरन इस तरह के मेटल्स पाए जाते हैं मोल्टन आयरन तो इनके वजह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनमें बाई मटेलिक हाइड्रोजन और अदर इंटरनल प्रोसेस इन सबकी वजह से क्या होता है जोवियन प्लानेट्स में मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रेजेंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे हमने ये सभी कॉमन फीचर्स देखे टेजिस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स में